नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। नाउ वी विल सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कॉल्ड? सो जो इलेक्ट होगा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दैट इज एमपी। जबकि असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से होगा तो एमएलए कहा जाएगा। हाउ मेनी वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज ड्यूरिंग 2004? 2004 में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा वोटर्स का, बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट, मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज। चुनाव प्रचार में इतने लोगों ने हिस्सा ले लिया। कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एवरी वन शुड बी एबल टू चूज, यानी हर एक को चुनने का अधिकार, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। दैट एवरी वन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर एक वोट का सेम वेटेज होना चाहिए। शुड हैव इक्वल वैल्यू। वॉट इज इलेक्शन, चुनाव क्या है? सो इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। और फिर अगले 5 साल के बाद हम उन्हें बदल भी सकते हैं, यही चुनावी प्रक्रिया है। कहीं कहीं 6 ईयर्स के बाद भी, जैसे यूएस है तो यूएसए में 6 ईयर्स के बाद बदला जा सकता है। मेंशन वन मेरिट ऑफ रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन, तो चुनाव का जो प्रतिस्पर्धा है क्या उसका कोई गुणधर्म है? व्हाट इज इट्स बेनिफिट? सो दैट इज रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब बूस्ट, कि उनमें एक एनर्जी से भर देता है, बूस्ट। सो टू पॉलिटिकल पार्टी कि फिर से उन्हें मौका मिलेगा, इस बार हार गए हैं तो क्या। एंड लीडर्स
सो रेगुलर इलेक्शन तो होना ही चाहिए 5 साल बाद. दे नो दैट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांटेड टू बी रेज्ड, दे नो दैट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांटेड टू बी रेज्ड, जो लोग उठाना चाहते हैं, अगर वो उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे रेज देयर पॉपुलरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज, देयर पॉपुलरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट इलेक्शन. सो ऐसा वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो जीत जाएंगे. व्हाट इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन या पार्लियामेंट्री इलेक्शन से आप क्या समझते हैं? इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो तो जनरल इलेक्शन कहते हैं. सो इलेक्शंस ये प्राइम मिनिस्टेरियल पद के लिए और कैबिनेट के लिए होते हैं. आर हेल्ड, जैसे रेल मंत्री बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, तो इस तरीके से होम मिनिस्टर, ये सारे कैबिनेट्स होते हैं, तो और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी होगा. सो इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम. हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक आदमी चुना जाएगा, दिल्ली में जाएगा. एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे, आइदर ऑन सेम डे, ये एमपी के लिए चुनाव है, और विद इन ए फ्यू डेज या 2-3 दिन के अंदर में पूरे देश में हो जाएगा, और विद इन ए फ्यू डेज ड्यू टू सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, ऐसा होता है कि थोड़े 1-2 दिन के अंतर पे होता है. दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन. इसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी कहते हैं. फिर पूछा गया है व्हाट इज ए बाई इलेक्शन. बाई इलेक्शन क्या है? समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉस्ट बाई डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर. अगर किसी मेंबर ने रिजाइन कर दिया है तो वहां पर फिर से चुनाव होगा किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में, तब उसे बाई इलेक्शन कहेंगे. सम टाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द, अगर कोई मर गया है तो ऐसा तो नहीं कि वहां का वेलफेयर रुक जाएगा, कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव जाना ही चाहिए वहां के लिए, तो इसलिए बाई इलेक्शन कराए जाते हैं. टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाई डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर. दिस इज कॉल्ड बाई इलेक्शन. नाउ इसको उपचुनाव कहते हैं. बाई इलेक्शन का मतलब वहां पर उपचुनाव. वॉट इज कंस्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्शंस? तो चुनाव क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुनाव क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? सो फॉर इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू फिक्स्ड इलेक्टोरल एरियाज, द कंट्री इज
डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड इलेक्टोरल एरिया विद ए बॉडी ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स यानी वोटर्स के बेसिस पर यह होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पर, कि कहीं की जनसंख्या 20 लाख पर एक कंस्टिट्यूएंसी बनेगी, तो कहीं कहीं लेकिन 3 करोड़ की जनसंख्या है, तो जैसे दिल्ली है या मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो ऐसे केस में बस 6 और 7 MP बन जाएंगे। तो ये पॉपुलेशन वेटेज पर है कि कितने लोग हैं उन पे एक कंस्टिट्यूएंसी होनी चाहिए। सो दीज एरियाज आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज, दीज एरियाज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया कॉल्ड इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। द वोटर्स हु लिव, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स रहेंगे, इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। सो वो अपने यहां से एक प्रतिनिधि चुनकर दिल्ली में भेजेंगे। नाउ हु कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन इन रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी, जो SC रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है उसमें कौन खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए? सो नॉमिनी कौन बन सकता है, कैंडिडेचर कौन फाइल कर सकता है? सो समवन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, समवन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, 25 साल का कम से कम होना चाहिए, बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट, कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन एंड 25 ईयर्स और अबव एज विद नो क्रिमिनल बैकग्राउंड। कैन फिल द नॉमिनेशन, कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, तो वो चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल, और वोटर्स लिस्ट से आप क्या समझते हैं? सो इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, किसी कंस्टिट्यूएंसी में या पोलिंग बूथ के लिए जो लिस्ट बनती वही वोटर लिस्ट है। सो लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल फॉर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर, मच बिफोर, जब इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले, क्योंकि इसमें समय लगता है, घर घर जाना पड़ता है, एंड गिवेन टू एवरीवन, एंड गिवेन टू एवरीवन, ये अवेलेबल रहती है, जो चाहे ले सकता है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल, दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल। लोग इसे वोटर लिस्ट कहते हैं, अदरवाइज ये इलेक्टोरल रोल है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ EPIC? EPIC यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का क्या महत्व है? दिस कार्ड इज गिवन टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट,
दिस कार्ड इज गिवेन टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट जब वो वोट देने जाएंगे तो उसके पोजीशन में होने चाहिए वो ईपीआईसी होना चाहिए वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स सो दैट ये ना हो कि आपकी जगह कोई और वोट डाल जाए सो दैट नो वन कैन वोट फॉर सम वन एल्स नेक्स्ट इज एनी वन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बी ए कैंडिडेट जो वोट डाल सकता है वो चुनाव लड़ भी सकता है फिर दोनों में एक डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है सो इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट इन इलेक्शन इन ऑर्डर टू कास्ट वोट अगर आप वोट डालना चाहते हैं द मिनिमम एज लिमिट इज एटीन ईयर्स वाइल टू नॉमिनेट सेल्फ फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन अगर आप कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एज क्या है कंटेस्टिंग इलेक्शन मिनिमम एज इज 25 ईयर्स क्योंकि एक प्रतिनिधि के पास ज्यादा अनुभव होना चाहिए तो इसलिए एज लिमिट भी ऊपर रखी गई है वॉट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल डिक्लेरेशन मेड बाई कैंडिडेट तो लीगल डिक्लेरेशन करता है कि हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है हमारे पास कितनी चल अचल संपत्ति है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी यही सब लीगल डिक्लेरेशन है सो इसका महत्व क्या है ये क्यों किया जाता है अ लीगल डिक्लेरेशन फाइल्ड बाई मेड बाई ए कैंडिडेट गिव्स डिटेल गिव्स डिटेल ऑफ हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिससे लोग जान सकें कि वो जिसे वोट दे रहे हैं वो कितना क्वालिफाइड है उसका रिप्रेजेंटेटिव कैसा है तो उनका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कि कितने एसेट्स हैं कितना उसे कर्ज चुकाना है उसे लाइबिलिटीज कहते हैं एंड सीरियस क्रिमिनल केसेस ये भी बताना पड़ता है सो ये सब नॉमिनेशन फॉर्म में फाइल करना होता है क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है सो पेंडिंग अगेंस्ट हिम कुछ केसेस में वो बरी हो गया है वो नहीं बताना है पेंडिंग है जो उन्हीं के अगेंस्ट में Against him, this provides an opportunity to the voters to make their decision. This provides an opportunity to the voters to make their decision.
बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई कैंडिडेट, ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई कैंडिडेट। सो क्या क्या इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है टू द वोटर्स कि वो इस बेसिस पे अपना डिसीजन कर सकें कि कौन फेयर कंटेस्टेंट है और कौन क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, कितनी कैसी शिक्षा। तो ये सिग्निफिकेंस है, ये लोगों के पास ये सारा डेटा चला जाता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन? द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन is to give people a chance to choose the representative to log apna representative chun sakte hain the government and the policies they prefer, government को चुन सकते हैं और जो policy उन्हें पसंद है ऐसे leader को चुन सकते हैं, and the policies they prefer। सबकी अपनी ideology होती है, policy होती है हर party की, तो लोग उसी के basis पर चुनाव करते हैं। ये सब इलेक्शन के माध्यम से ही हो पाता है, इलेक्शन ना हो तो लोग सेलेक्ट ही ना कर पाए कि वो किसे चुनना चाहते हैं। सो इसलिए इलेक्शन का तो सिग्निफिकेंस है। व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इलेक्शन कंपेन? इलेक्शन कंपेन होता है जब चुनाव प्रचार होता है तो क्या क्या होता है ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेन्स? क्या क्या चीजें हो सकती हैं? द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, और क्या करता है? पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस, तो वो एड्रेस करते हैं लोगों को इलेक्शन मीटिंग, उसको चुनावी सभा कहते हैं। इलेक्शन मीटिंग का मतलब चुनावी सभा जिसमें भीड़ जुटती है। इसके अलावा एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, यानी चुनावी रैली निकाली जाती है उसको मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, एंड पॉलिटिकल पार्टीज मॉब को एक साथ ले जाना, कहने का मतलब है मोबिलाइज, भीड़ को एक साथ मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। तो चुनावी रैली होती है, चुनावी सभाएं होती हैं और वन टू वन टॉक होती है, ये सब होता है। नेम एनी टू सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन, ऐसे स्लोगन्स बताओ जिस पर लोगों ने वोट दे दिया हो और वो कैंडिडेट जीत गया हो। नाउ सच स्लोगन्स आर, एक तो गरीबी हटाओ दिया था इंदिरा गांधी ने 71 में, सो दैट इज गरीबी हटाओ। So, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, तो इसमें बहुत बड़ी जीत हुई थी गिवन बाय कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट इज Protect the self-respect of Telugus. Protect the self-respect for Telugus. तो तेलुगु एक रीजन है, वहां के लोगों की लैंग्वेज भी तेलुगुज है और उसी के बेसिस पर तेलंगाना स्टेट बना हुआ है और इसको चलाने वाली पार्टी जो इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है
फेवर करती थी, जिसने तेलंगाना स्टेट अलग कराया उसको तेलुगु देशम पार्टी कहते हैं। तो तेलुगु देशम नाम ही है तेलुगु देशम, सो ये दिया गया था तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना बन गया उसी के बेसिस पर। सो तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश। तो उसका ये स्लोगन था, व्हाट इज अ बैलेट पेपर। सो बैलेट पेपर क्या है, पहले एक मत पेटी होती थी, उसमें लोग अपने अपने वोट डालते थे, तो उसको बैलेट पेपर कहते हैं। ए बैलेट, बैलेट पेपर है तो बैलेट बॉक्स है, उसमें जो पेपर डाला जाएगा वो बैलेट पेपर है, जिसमें हम लोग स्टैंप लगाएंगे। तो इस तरीके का स्टैंप होता है कि ये ऐसे स्टैंप होता है, उसी को लगाया जाता है ये। सो इट इज स्टैंप है, और एक पेपर होगा जिस पर बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, तो किसी पे एक पे लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने स्टैंप लगा दिया और फिर उसको बॉक्स में डाल दिया। बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर। इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ऑन विच द नेम ऑफ, जितने कहीं कंस्टिट्यूएंटी के वोटर्स हैं उतने ही बैलेट पेपर इलेक्शन ऑफिसर को दिए जाते हैं। ऑन विच द नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, अलॉन्ग विथ पार्टी नेम्स, अलॉन्ग विथ पार्टी नेम्स एंड सिंबल्स आर लिस्टेड, एंड सिंबल्स आर लिस्टेड। सो पार्टी नेम एंड सिंबल्स के साथ सबका नाम रहेगा, उसी में आपको स्टैंप लगाना है, पेपर मोड़कर बॉक्स में डाल देना है। तो ये बैलेट पेपर है, जिसमें डालोगे वो बैलेट बॉक्स है। ऐसा पहले होता था, अभी तो सब पेपरलेस हो गया है। व्हाट इज द ईवीएम, इट इज द मशीन दैट शोज द नेम ऑफ कैंडिडेट, इट इज द मशीन दैट शोज द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल दिस मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड वोट। इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट, तो इस मशीन में आप जहां बटन दबाएंगे तो रेड लाइट जल जाएगी, साउंड आएगा और आपका वोट उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। इसको ईवीएम कहते हैं, ये पेपरलेस इलेक्शन है। हु इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर दैट इज सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त। इज द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, ही इज वेस्टेड विद लॉट्स ऑफ पावर। मेंशन वन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसका काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का काम क्या है। द इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट्स
तो ये क्या लागू करता है? द कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता लागू करता है कोड ऑफ कंडक्ट। इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स ड्यूरिंग द इलेक्शन, कि अच्छा कंडक्ट करना है, उन्हें अच्छा व्यवहार करना है जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वॉयलेट्स इट, और पार्टी जो इसका उल्लंघन करती है दैट वॉयलेट्स इट, फिर उसको पनिशमेंट दिया जाता है। हाउ इज द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन मीजर्ड, कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये कैसे मीजर करोगे? पीपल्स पार्टिसिपेशन सो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मीजर्ड इज यूजुअली मीजर्ड बाई वोटर टर्नआउट फिगर, कि कितने परसेंट वोट पड़ा है, वोटर्स टर्नआउट फिगर्स 60%, 70%, उसी से पता चलता है कि लोग डेमोक्रेसी में कितना विश्वास करते हैं। विच इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स, विच इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु हैव कास्टेड देयर वोट्स, हु एक्चुअली हु हैव कास्टेड देयर वोट्स, जिन्होंने अपने वोट डाले हैं उतने परसेंट लोगों से पता चलता है कि वोटर्स टर्नआउट क्या है या वोटर्स पार्टिसिपेशन क्या है, एक ही बात है। व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट, चुनावी आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस किसके लिए ये गाइडलाइंस हैं? टू बी फॉलोड बाई पॉलिटिकल पार्टीज, एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जब वो कंटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान देना होगा, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, रिलीजियस प्लेस का ना इस्तेमाल करें, कास्ट का ना इस्तेमाल करें, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को भी फॉलो करने पड़ते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, कब फॉलो करने पड़ते हैं? जब इलेक्शन हो रहा है तब, सो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। हु वोट इन लार्जर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शन, जो प्रिविलेज सेक्शन है, जो अच्छे अच्छे पोस्टों पे बैठे हुए हैं, उनके अनुपात में कौन लोग ज्यादा वोट करते हैं? सो द पुअर इलिटरेट, पुअर इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज पीपल एंड जिनको कुछ अधिकार नहीं मिले हुए हैं, गरीब लोग हैं, पीपल, उनको वोट में बहुत आशा रहती है। वोट इन लार्जर पॉपुलेशन, वोट इन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन, एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन, व्हाट इज द फाइनल फेज ऑफ इलेक्शन? फाइनल
फाइनल फेज ऑफ इलेक्शन से क्या समझते हैं? क्या काउंटिंग ही फाइनल फेज ऑफ इलेक्शन होती है? नो, द फाइनल फेज ऑफ इलेक्शन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम जो नतीजा निकला है उसे हारने वाली पार्टी भी स्वीकार कर ले, बाई डिफीटेड पार्टी। ये भी एक प्रोसेस है कि उसे भी विश्वास है कि चुनाव आयोग ने ठीक काम किया है, तो ये फाइनल फेज है। नहीं तो नहीं स्वीकार करेगी तो राइट्स करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, तो फिर वो इलेक्शन में डाउटफुल हो जाएगा। इसलिए उसे जो पब्लिक वर्डिक्ट है, चुनावी जनादेश है, स्वीकार करना हम्बल वे में, यही फाइनल फेज माना जाता है, यही सक्सेस माना जाता है किसी डेमोक्रेसी का। व्हाट इज द मीन बाय बूथ कैप्चरिंग? किसी पोलिंग बूथ को अपने कब्जे में कर लेना, ये क्या होता है? सपोर्टर्स और हायर्ड मसलमैन, किसी पार्टी के सपोर्टर या किराए पे लिए गुंडे, ऑफ ए पार्टी और ए कैंडिडेट, ऑफ ए पार्टी और एक कैंडिडेट गेन फिजिकल कंट्रोल। ऑफ ए पोलिंग बूथ को अपने कब्जे में कर लेना एंड कास्ट फॉल्स वोट, झूठे वोट डाल देना बाय थ्रेटनिंग एवरीवन। लोगों को डरा के झूठे वोट डलवा देना या खुद डाल देना वोट, और बाय प्रिवेंटिंग जेन्युइन वोटर्स या लोगों को पोलिंग बूथ में जाने ही न देना। From reaching the polling booth. So, these are the steps taken by, it is a malfunction by some party, then it is called booth capturing. It is in order to win any election by foul means, by unfair means. Who can be denied the right to vote? Criminals and persons with an unsound mind, can be denied the right to vote. Who appoints the Chief Election Commissioner of India? The President of India appoints the Chief Election Commissioner. तो मुख्य चुनाव आयुक्त को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है।